हेलो एवरी वन कोमल शर्मा द साइड एंड हे आई वेलकम यू ऑल एट यू ओन गर् क्लासेज द प्लेस वे यू कैन ईजिली गेट ऑल द टू योर यम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल राइट दैन तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अ प्रेयर फॉर माई डॉटर विच इज़ रिटर्न बाई डब्ल्यू बी एच जो पोइट्री जिसके टेक्स्ट के बारे में मैंने अर्ली जो मेरे टू वीडियोज़ वीडियोज़ जो हैं लास्ट वीक जो मैंने अपलोड किए थे उन दोनों वीडियोस में बेसिकली मैंने टेक्स्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था तो ये जो पोइट्री है टेन्थाजाज में है दो पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को बनाया था टेक्स्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था फ़ाइव इन वन फाइव इन नॉबल ठीक है तो अगर आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट से रेलेवेंट जो वीडियोस हैं ऑफ़ अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय डब्ल्यू अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है जो प्ले का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और जो भी प्रीवियस वीडियोस है वो आपके सामने होंगे और जो भी टेक्स्ट रेलिवेंट वीडियो है ऑफ अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय डब्ल्यू बी एच वो दोनों वीडियोस आपको देखने हैं ताकि आज का जो ये वीडियो रहेगा दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री पर्टिकुलर अनलिसिसमेंट के बारे में मैं बताऊँगी पोइट्री के अनालिस करूँगी मैं पर्टिकुलर तो अगर आपने अब तक टेक्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये जो फर्दर वीडियो है ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो विल बी क्वाइट ईजीअर फॉर यू ऑल टू तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल राइट दैन सो आई प्रेर फॉर माई डॉटर बाई डब्ल्यू बी एच जो ये पोइट्री है ये प्रस्क्राइब है ऑफ पेपर सेकेंड ऑफ सेक्शन ए का जो अपना सिलेबस ऑफ यू पी एस सी आई ए एस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल जो मीनस अपना कोर्स है तो उसमें ये प्रिस्क्राइबड है ऑल राइट दैन सो अभी शुरू करते हैं द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बाय डब्ल्यू बी एच पोइट्री एनालिसिस मैन पे मूव होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो भी डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक पेज का इंस्टाग्राम पेज का और हमारे टेलीग्राम लिंक का आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करें ताकि जो भी एक्सेसिव एक्टिविटीज़ जो हम आपके कॉम्पिटिटिव uh, एग्जाम से रेलिवेंट uh, जो भी अपडेट करते हैं आपको वो भी अपडेशंस प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहे और आई सो हियर आई एम मूविंग अहेड विद द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बाई डब्ल्यू बी एच ठीक है तो अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज अ रिफ्लैक्शन ऑफ द पोइट्स लव फॉर हिज डॉटर बेसिकली ये जो पोइट्री है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन है इस पोइट्री में पॉइट इस तरीके का रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वो शो कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है एज अ फादर अपने लव को टूवर्ड्स इज डॉटर तो पॉइट एज अ फादर क्योंकि इस पोइट्री में जो स्पीकर है वो खुद पॉइट है तो वो अपनी जस्ट बॉर्न जस्ट न्यू बॉर्न बेबी जो डॉटर है उसके लिए अपना अफेक्शन अपनी वरीज़ अपनी एंगजाइटीज़ और जो भी अनसर्टेनिटीज सर्टेनिटीज़ जो फ्यूचर में उसकी लाइफ में जो भी हैपनिंग्स होने वाली है, उनसे उन उन उन्हीं से रेलिवेंट वो कंसर्न शो करता है अपना अफेक्शन शो करता है टूवर्ड्स हिज डॉटर इट इज़ ऑल्सो अबाउट सर्वाइविंग द टर्मोइल ऑफ द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड इस पर्टिकुलर पोइट्री में जो भी उस टाइम पे नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन या उस ड्यूरेशन में मतलब ईस्टर अपराइजिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उस ड्यूरेशन में जो जो टर्मोल्स हुए जो जो डिस्टर्बेंस हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड तो जो जो सफरिंग्स वो लोग झेल रहे थे उस टाइम पे उन सब के बारे में भी इस पॉइट में इस पोइट्री में बताया गया है द स्पीकर इज़ द पॉइट हमसेल्फ टॉकिंग टू हिज डॉटर और यहाँ पे जो स्पीकर है वो पॉइट खुद है जो अपनी ही डॉटर से बात कर रहे हैं द टोन इज ग्लूमिंग इसके जो पर्टिकुलर टोन है पोइट्री के वो ग्लूमी है प्रिकारियस है फ्राइटनिंग है डिडेक्टिक है तो इस पोइट्री का जो टोन है वो ग्लूमी है थोड़ा सेड टोन उसमें है ठीक है प्रकारियस जो भी अनसर्टेनिटी की तरफ हमें ले जाती है ये पर्टिकुलर पोइट्री कुछ फ्राइटनिंग uh, है इस पोइट्री में और प्लस इस पोइट्री ये पोइट्री फॉर्म में है डिडेक्टिक फॉर्म में है जिसमें अपनी डॉटर को बहुत सारी चीज़ें बताता है एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में ठीक है नेक्स्ट द पॉइम ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर प्रेइंग फॉर हिज इनोसेंट इन्फेंट डॉटर एंड लाइंग इन द मिडल ऑफ अ स्टॉम हॉलिंग एंड हाफड तो अब जब पोइट्री की जब शुरुआत होती है उस टाइम पे क्या होता है पॉइट खड़ा होता है अपनी डॉटर के पास में और उसकी जो डॉटर है जो जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो पोइट्री है ये पॉइट डब्ल्यू बी एच ने तब लिखी थी जब उनकी बेटी का जस्ट जन्म हुआ था बिफोर टू डेज तो आफ्टर टू टू डेज ऑफ हिज डॉटर्स बर्थ उन्होंने ये पर्टिकुलर पोइट्री लिखी थी अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है उनकी जो डॉटर uh, है जब वो एक टावर में रहते थे एनालिन तो वहाँ पे उस टावर में बेसिकली उनकी जो डॉटर है वो एक क्रैडल में सो रही है हाफ हाफ अनकवर्ड एंड हाफ कवर्ड है और बाहर बहुत तेज स्टॉम चल रहा है नेचुरल डिज़ास्टर चल रहा है तो उस रिलेशन में जो नेचुरल जो भी स्टॉम चल रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो ये पॉइट्री उसी से शुरू होती है जो भी टर्मल्स चल रहे हैं आउटसाइड द वर्ल्ड तो उन उन्हीं के बारे में उन्हीं के उन्हीं से रैलवेंट ये पॉइट्री की शुरुआत होती है जहाँ पे स्टॉम है बहुत तेज तेज हॉल कर रहा है बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है उनकी जो डॉटर है वो हाफ कवर्ड है ठीक है द पॉइट डेमोन्स्ट्रेट हिज फीलिंग्स थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स ऑफ वैदर पॉइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है यहाँ पे बाई यूजिंग द सिम्बल ऑफ़ वैदर जो भी डिजास्टरस वैदर कंडीशन जो स्टॉमी वैदर यहाँ पे बताया है वो एग्जैक्टली exactly पॉइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू द सिंबल ऑफ स्टॉम और द वैदर द न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इज स्लीपिंग अंडर द अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवल इड एम्प्लाइंग द इनोसेंस एंड वलरेबिलिटी ऑफ एन तो अब उनके जो डॉटर है डब्ल्यू बी एच के जो डॉटर है वो एक क्रैडल में सो रही है हाफ कवर्ड है हाफ अनकवर्ड है जो कि उनके इनोसेंस को शो कर रही है कि वो अभी शे इज नॉट इन कंडीशन टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ वो अपने आप हाँ को प्रोटेक्ट कर सके वो उस कंडीशन में नहीं है इनोसेंट है बहुत ज़्यादा और उसी की इसी इनोसेंस की वजह से जो पॉइंट uh, है वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड वर्ल्ड इज डॉटर थ्रू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ वायलेंट शी इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम दो द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ वायलेंट जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो uh, वायलेंट है बट शी इज़ ऑन अ वाइल्ड प्रोटेक्टेड थोड़ी बहुत प्रोटेक्टेड है जो हाफ हेड कवर्ड जो हाफ कवर्ड जो यहाँ पर सिंबल यूज किया गया है कि वो क्रैडल में सो रही है हाफ कवर्ड हाफ अनकवर्ड दैट मीन्स कि कुछ कहीं जगह पे शी इज प्रोटेक्टेड अबाउट शामबेयर शी इज नॉट द स्टॉम इज मेटर फॉर द आयरिश पीपल स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस विच वॉज एन अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन इन डेज जो स्टॉ स्टॉम का है उसको एज अ सिंबल भी पॉइंट ने यहाँ पे यूज़ किया एज अ सिंबॉलिक मेटाफर तो मेटाफर के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है स्टॉम को जिसमें जो लोगों की जो कंडीशन है लोगों का जो स्ट्रगल है एक्चुअल स्ट्रगल जो है जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जो भी इंडिपेंडेंस के लिए उस टाइम पर जो भी फाइटिंग चल रही थी वॉर्स चल रहे थे टू गेट द इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड आयरलैंड के जो लोग आयरिश जो पीपल है वो होम रूल लेने के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने एक युद्ध छेड़ा हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस ड्यूरेशन के जो अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं यूस के ड्यूरेशन में तो उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक जो मेटाफर यूज किया गया है स्टॉम ही फर्दर प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ द स्टॉम विद रूव लेवलिंग विंड रिप्रेजेंटिंग टबल्स ट्रिबल्स In the midst of which the poet has walked and prayed for this young child एन आर तो यहाँ पर पॉइट क्या रिप्रेजेंट करता है आगे जो भी स्टॉम है वो रूफ लेवलिंग विन मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबुलसम है बहुत ज़्यादा क्योटिक है और ये सारी सिचुएशन कब जब हो रही थी उसी के बीच में जो पॉइट है एज अ फादर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा था टूवर्ड हिस डॉटर और वो कंटिन्यू वॉक करे जा रहा था एंड एंड Praying uh, for his daughter continuously for an hour. Matlab, ghante lagata, continue for an hour, he walked and prayed for his daughter. Intense and threatening forces uh, surround her like a flooded stream. इंटेंस एंड थ्रेटनिंग जो भी फोर्सेस हैं वो उसे सराउंड किए हुए हैं घेरे हुए हैं लाइक ए फ्लडेड स्ट्रीम तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है ऐसे सिंबल्स मेटाफोल्स यूज़ कर रहा है यहाँ पे पॉइट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी क्योटिक एटमोसफेयर है जो भी क्योटिक इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं बाहर की तो उसकी वजह से उसकी डॉटर जो है वो क्या क्या फेस करेगी इन फ्यूचर तो उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न टेंशन में है The poet symbolizes the sea thus out of the murderous innocence of the sea. यहाँ पे जो सी है वो सिम्बोलाइज कर रहा है कि एक मर्डरस इनोसेंस को despite his apprehension for his child in this turbulent world, he is hopeful for her. इन सारी ट्रबल सिचुएशन के बावजूद भी ही इज़ स्टिल होपफुल वो hopeful और कंटिन्यू प्रे किए जा रहा है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी फॉर हिज डॉटर ठीक है नेक्स्ट पॉइट क्या करता है द पॉइट कंटिन्यूस ऑन टू कमेंट ऑन हिज़ होप्स फॉर हर ब्यूटी मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड यथ नॉट आगे जब जैसे जैसे पॉइट्री मूव होती है वो ब्यूटी की तरफ मूव uh, होता है और वहाँ पे पॉइट एज़ अ फादर प्रे करता है कि उसकी जो डॉटर है वो ब्यूटिफुल हो बट बहुत ज़्यादा ब्यूटफुल ना हो ताकि वो अपने इनर जो ब्यूटी है उसको भूल जाए इतनी ब्यूटिफुल नहीं होनी चाहिए हिज़ वैसी हिज वैसी इज़ दैट ब्यूटी इन वेमेन वेमेन टाइम्स ब्रिंग डिज़ास्टर्स वो ये पॉइंट का मानना है कि कई बार जो अगर कोई वेमेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसकी जो ब्यूटी है वो डिज़ास्टर को ब्रिंग करती है यहाँ पे एग्जांपल भी लेता है वो एग्जांपल किसका देता है हेलन ऑफ ट्रॉय का जिसकी ब्यूटी की वजह से इतना बड़ा ट्रॉजन वॉर फॉर टेन ईयर्स हुआ था ठीक है फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स हैव डिफिकल्ट टाइम चूजिंग द राइट पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर एंड नीदर दे कैन फाइंड अ फ्रेंड तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ओव ब्लेम्ड है बहुत ज़्यादा प्राउड है उसे अपनी ब्यूटी पे तो क्या करता है वो ना तो राइट पार्टनर चूज़ कर सकता है अपनी लाइफ में और ना ही करेक्ट फ्रेंड चूज़ कर सकता है तो हेलन ऑफ ट्रॉय और प्लस गॉडस वीनस इन दोनों का अल्यूजन यूज़ किया था पॉइट ने ये प्रेजेंट करने के लिए कि मेरी डॉटर ब्यूटीफुल हो पर इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो इन लोगों के जितनी ब्यूटीफुल ना हो ताकि वो अपने फ्यूचर को ही एक बहुत बड़े रिस्क में डाल दें

तो हेलन ऑफ जो ट्रॉय थी वो कॉज बन चुकी थी ऑफ द ट्रॉजन वॉर बिकॉज ऑफ अर ब्यूटी बाई दी एंड द पॉइट वॉन्ट्स हज डॉटर टू बी कर्टियस एज लव के नॉट कम अनकंडीशनली एंड फ्रीली पॉइट आगे जैसे जैसे पॉइट्री मूव होती है पॉइट ये भी बोलता है कि मेरी जो डॉटर है वो कर्टियस होनी चाहिए कम्पैशनेट होनी चाहिए फैक्शनट होनी चाहिए और uh, क्योंकि जो लव मिलता है जो फैक्शन मिलता है लोगों से वो फ्रीली मिलता है अनकंडीशनल होना चाहिए उसका जो हार्ट होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम ऑल दीज क्योर्स जो भी एक्सटर्नल क्योर्स है एक्सटर्नल अट्रैक्शन के जो भी क्योर्स हैं उनसे वो दूर होनी चाहिए शी मस्ट शी मस्ट ऑन लव विद गुड एफर्ट्स एंड काइंड हार्टिडनेस हार्टेडनेस एंड शी कैन नॉट विन इट बाई मेयरली फिजिकल ब्यूटी बिकॉज हार्ट्स आर नॉट हैड एज गिफ्ट बट हार्ट्स अराउंड पॉइंट आगे बोलता है कि एग्जैक्टली जो हार्ट्स होते हैं उनको कोई गिफ्ट नहीं होता कोई गिफ्ट नहीं होता कि आप किसी को बोरो कर लो या किसी से ख़रीद लूँ ठीक है हार्ट्स तो एग्जैक्टली अर्न किए जाते हैं और वो कहाँ से आते हैं बाई दी इनर ब्यूटी एक्सटर्नल ब्यूटी से ही नहीं आते हैं The poet wishes his daughter to possess such qualities that could help her face the future years. Con uh कॉन् कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली आगे पॉइंट बोलता है कि एग्जैक्टली exactly वो अपनी डॉटर के लिए प्रे करता है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज क्योर्स वो प्रे करता है कि उसकी जो डॉटर हो वो सारी क्वालिटीज पुजैस करें आ, कर्टियस हो काइंड हार्टड हो कम्पेशनेट हो जिसकी वजह से जो भी उसके फ्यूचर ईयर्स हो वो बहुत सेफ़ और सिक्योर हो और वो उनको इंडिपेंडेंटली अर्न उन करें ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक मैंने बताया है आपको एक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से पॉइंट बिगिन करता है इस पॉइंट की बिगनिंग किस तरीके से होती है मिडिल में क्या बात करता है और लास्ट में एंड कहाँ पे करता है फर्स्टली वो सारे स्टॉम्स का जो सिंबल यूज़ किया है जो वेदर कंडीशन का यूज़ हार्श वेदर कंडीशन का यूज़ किया एज़ अ मेटाफर तो वो सिम्बलाइज़ किया है जो भी क्योटिक वर्ल्ड है क्योटिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में वो मिडिल ऑफ द पोइट्री वो उसकी ब्यूटी के लिए प्रे करता है कि उसके जो डॉटर है उसकी ब्यूटी किस तरीके की होनी चाहिए और लास्टली वो प्रे करता है कि एग्जैक्टली exactly उसकी डॉटर कर्टियस होनी चाहिए काइंड हार्टेड होनी चाहिए उसका इनर ब्यूटी ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए रादर देन एक्सटर्नल ब्यूटी ठीक है तो अब बात करेंगे अपन स्ट्रक्चरल एनालिसिस की स्ट्रक्चर मतलब पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या है ठीक है क्या फॉर्म है सो द पॉइम इज़ रिटर्न इन अ लिरिक फॉर्म कंटेनिंग टेन स्टांजाज विद एट लाइन इन एच स्टांजा टेन स्टांजाज में पोइट्री लिखी गई है और हर एक स्टांजा में एट लाइन्स हैं ठीक है तो इस तरीके से एटी लाइन्स पोइट्री है द पॉइम फॉलोज द रेगुलर राइम स्कीम विच इज़ ए सी डी डी सी और पॉइट्री का जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी सी डी डी सी तो ये पोइट्री का पर्टिकुलर राइम स्कीम है आगे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है द लाइन मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडक्स यहाँ पे पॉइंट ने पैराडक्स का यूज़ किया है जहाँ पे उसने मर्डरस और इनोसेंस दोनों जस्ट ऑपोजिट चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट किया है सी को एज अ सिंबल यूज़ करके मर्डरस और इनोसेंस दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है तो पैराडक्स यहाँ पे यूज़ किया है सिबिलियंस इज़ फॉन्ड इन द वर्ड्स सी विंडस्क्रीम स्क्रीम इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमेटोपिया स्क्रीम यहाँ पे एज एज एन ओनोमेथोपिया यूज़ किया है पॉइट ने एंड द यूज़ ऑफ पोसोनिफिकेसन कैन बी नोटेड इन द लाइन पोसोनिफिकेशन का यूज़ कहाँ किया है दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम डांसिंग टू अ फ्रेंजी ड्राम तो फ्यूचर ईयर्स विल डांस तो यहाँ पे फ्यूचर uh, ईयर्स को एज अ पोसोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है विच एम्प्लाइज द ट्रांजाइंस पॉइट यूज सिम्बल्स एच ए सी विंड एंड फ्लडेड स्ट्रीम डिनोट ट्रबलिन एटवर्क और पॉइट ने यहाँ पर सिम्बल्स यूज किए सी वा फ्लडेड स्ट्रीम का जो कि डिनोट करते हैं जो भी ट्रबल फोर्स है एट वर्क उनके बारे में एलिट्रेशन इज़ प्रजेंट इन द फ्रेज टू बी ग्रांटेड ब्यूटी यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया है तो इस तरीके से पैराडक्स का यूज़ किया गया है ऑनोमेटोपिया एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ किया है पोइट uh, ने प्रसोनिफिकेशन यूज़ किया है सिम्बल्स यूज़ किए हैं ठीक है एलिट्रेशन का यूज़ है तो इस तरीके से ये प्रॉपर स्ट्रक्चर uh, है पोइटरी का और फॉर्म रामम स्कीम क्या है वो मैंने बता दी है और कितने लाइन में कितने स्टांजर्स में पोइट्री लिखी गई है ये भी बता दिया सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री दैट इज ये फॉर माई डॉटर बाय डब्ल्यू बी एच अगर आपको इस पोइट्री से रेलिमेंट कोई भी क्वेरी करनी है कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप डायरेक्टली कॉमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं ऑल राइट दैन सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस स्टे कनेक्टेड विद आस